सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज मैं चर्चा करने आया हूं बिहार राज्य की। तथागत भगवान बुद्ध का दूसरा जन्म जिसे हम ज्ञान प्राप्त कहते हैं वो बिहार में ही हुआ। वैशाली में वो रहे और भी बहुत सारी जगह हैं जहां उन्होंने धम्म देशनाएं देकर मगध के लोगों को और मगध से पहले वाले राजाओं को भी एक अच्छा संदेश देने का काम किया था। उसी बिहार से एक खबर आ रही है कि जनपद है कैमूर और जगह है भभुआ, वहां एकता चौराहा है, चौक है, और उस चौक में गांधी जी की प्रतिमा लगी है और गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर सम्राट अशोक का राष्ट्रीय चिन्ह कह सकते लाट लगा हुआ है। अभी खबर आ रही है कि कुछ गुंडों ने, कुछ मवालियों ने, और जो देश से प्यार नहीं करते हैं, जिन्हें आप अपनी भाषा में जो भी कहना चाहें, जो नया संविधान बनाना चाहते हैं, नया भारत बनाना चाहते हैं, एक रंग में भारत को रंगना चाहते हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। ये देशद्रोह का अपराध है कि उस अशोक की लाट को वहां से तोड़ करके फेंक दिया है। पुलिस को सूचना दी गई, शासन प्रशासन को बताया गया, लेकिन अभी तक उस कैमूर जनपद के भभुआ में एकता चौक पर अशोक की लाट नहीं लगी है। मैं अपील करता हूं बिहार के सभी लोगों से, समान विचारधारा के लोगों से, तथागत बुद्ध के अनुयायियों से, बाबा साहब के अनुयायियों से, और विज्ञानवादी तर्कवादी लोगों से कि सारे लोग इकट्ठे हो जाओ और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ो। अगर आपने ये सब लड़ाई नहीं लड़ी तो धीरे धीरे आपके बुद्ध विहार भी मिटा देंगे, आपकी मूर्तियां भी मिटा देंगे, संविधान मिटाने का वो काम कर ही रहे हैं। देश पर पूरा कब्जा जिन्होंने कर लिया है, संविधान का एक भी आर्टिकल उन्हें भारत चलाने से नहीं रोक रहा है, फिर भी उस संविधान को बदलना चाहते, ये कौन लोग हो सकते हैं? विचार करिए, हाई कोर्ट का जब मोहर लगता है तो अशोक की लाट होती है। कोई भी अधिकारी जब बड़ा होता है तो उसके कंधे पर अशोक की लाट होती है, और आज अगर उस चौराहे पर अशोक की लाट, अशोक स्तंभ लगा है, तो कुछ भारत से नफरत करने वाले, धर्मनिरपेक्ष भारत से नफरत करने वाले लोगों ने उसको तोड़ दिया है, उसको वहां से गायब कर दिया है। बिहार सरकार और बिहार के लोगों से मैं अपील करता हूं, संघर्ष करिए और सरकार से फिर पुनः बड़ा अशोक स्तंभ लगवा करके ही दम लीजिए, तब मैं मानूंगा कि सही मायने में आप लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं और अपनी विरासत की रक्षा करने वाले हैं, अपने हक अधिकारों के लिए जिंदा रहने वाले हैं। नहीं तो मैं ये मानूंगा कि लगभग बिहार के सभी लोग मरे ही हैं, मरे हुए समान हैं। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि जिस गौरव ने, जिस व्यवस्था ने इस देश भारत को सोने की चिड़िया कहलाया, जिस व्यवस्था ने सबसे बड़ी जीडीपी दी, और उसके आधारों पर आज भारत नहीं चल रहा है, ये नया आधार बनाना चाह रहे हैं और उनके मान सम्मान को मिटाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा घोर निंदनीय घटना है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और अपील करता हूं बिहार के लोगों से, एक हो जाइए और उस चौक पर सम्राट अशोक की लाट लगाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लेट करेंगे तो कोई नेता आ जाएगा वहां फोटो खिंचवाने, लाट नहीं लग पाएगी, फिर वो राजनीतिक मामला खराब हो जाएगा। इसलिए सभी सामाजिक धार्मिक लोगों से अपील करता हूं कि जल्दी जल्दी पहुंचें और शासन प्रशासन से मांग करके उस लाट को लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।